तो ओवन 24 जैसे जैसे आगे चलता चला जा रहा है, यहाँ पे चेन्नई को जीत मिलती चली जा रही है, सभी टीम्स यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आगे चलती चली जा रही हैं और फैंस काफी एक्साइटेड रहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी, जिस तरीके का उनका प्लेयर परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है, सचमुच उनका दिल काफी खुश होता हुआ चला जा रहा है। और गाइस इसी के कड़ी में आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, काफी न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, क्या कॉनवे का मिल गया है रिप्लेसमेंट, कौन है वो रिप्लेसमेंट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके साथ ही और ज्यादा न्यूज निकल के आ रही है कि आखिर क्या है दीपक चार के इंजरी का यहाँ पे कंसर्न निकल गया है, सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, वीडियो को अभी लेकर पूरा इंटरनेट देखना, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एक बार नीचे देख लिया, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा होगा तो 40K के हम बेहद करीब हैं, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले न्यूज के बारे में, और सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है कॉनवे को, मैं लेकर चीजें आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब काफी लोग अभी तक संशय में है कि क्या कॉनवे आएंगे, क्या वो आईपीएल खेलेंगे, तो मैं आपसे ये चीजें एक चीज क्लियर कट कर दे रहा हूँ कि कॉनवे को आप रूल्ड आउट मान लीजिए। हाँ गाइस काफी लोग सोच रहे होंगे कि अभी कॉनवे आएंगे, अभी कॉनवे की एंट्री होगी यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज बताई थी कि कॉनवे जो आते हुए नजर आएंगे वो सेकेंड वीक ऑफ मे, यानी एक तरीके से प्लेऑफ में इनकी एंट्री होने का थोड़ा सा जो कि चांसेस है वो दिखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं अब चीजें मैं क्लियर करना चाहूं तो कॉनवे उस टाइम तक भी फिट रहते हुए नजर नहीं आएंगे। अब कैसे क्या चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई भी चीजों पे यहां पे अभी तक चेन्नई को कोई भी क्लियर कट नहीं दिया है। इसका साफ साफ मतलब है कि चेन्नई भी अभी तक सोच रही थी कि हो सकता है कॉनवे आ जाए, लेकिन यहां पे कंफर्म हो चुका है कि कॉनवे यहां पे सेकेंड वीक ऑफ मे तक भी ये फिट होते हुए नजर नहीं आएंगे। और ऐसे में बात कर लिया जाए तो ये अगर फिट भी रह के अगर आते भी तब यहां पे चेन्नई इतना बड़ा गैम्बल नहीं खेलती कि आप इन्हें डायरेक्ट प्लेऑफ में उतार दीजिए, ओपनिंग करने के लिए उतार दीजिए, क्योंकि वहां पे अगर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी तो पूरा किया कराया जो पूरा सीजन था वहां पे पूरे पानी फिर जाएंगे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यहां पे पूरी तरीके से ये एकदम सही रिपोर्ट और एकदम सही डिसीजन लिया गया है कि कॉनवे को आप रूल आउट कर दीजिए, इनके जगह पे किसी और खिलाड़ी को एज अ रिप्लेसमेंट देख लीजिए और कॉनवे की जगह कोई और खिलाड़ी बेहतर कर जाएगा। दूसरे चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं तो काफी बड़ा बम फूटता हुआ नजर आया है, और ये चीज आपने टेलीग्राम पे देख भी ली होगी कि क्या यहाँ पे कॉनवे का जो रिप्लेसमेंट है क्या वो सचमुच चेतेश्वर पुजारा है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा का एक ट्वीट ने पूरे चेन्नई के फैंस का नींद उड़ा के रख दिया है। और ट्वीट कुछ इस तरीके का है कि हैशटैग सुपर किंग्स लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन यू गाइस दिस सीजन, यानी कि ये काफी अच्छी तरीके से इन्होंने पूरा दर्शा दिया है कि ये सुपर किंग्स के कैंप में ज्वाइन होते हुए नजर आने वाले हैं इस सीजन में। और इसका सीधा सीधा क्लियर कट मतलब यही है कि कॉनवे आपके यहाँ पे रूल्ड आउट होने वाले हैं, और उनके जो रिप्लेसमेंट होंगे क्या वो सचमुच चेतेश्वर पुजारा है, क्योंकि ये जो ट्वीट है वो एक तरीके से यही चीज दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि इनके जो पूरी तरीके से जो इनके रिप्लेसमेंट रहेंगे वो पुजारा ही रहते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अगर पुजारा आएंगे तो सचमुच चीजें काफी ज्यादा फंगल करने वाली है, फैंस काफी ज्यादा थोड़े से भड़कते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे पुजारा चेन्नई के टीम से अगर ज्वाइन होंगे तो समझ जाइए कि पुजारा और कैफी इनिंग खेलेंगे, अगर उन्हें बाई चांस इनका मुकाबले मौका दे भी दिया गया तो कैफी इनिंग खेलेंगे, ये आपको भी पता है। तो इसलिए थोड़ा सा चीजें अभी थोड़े से शॉक करने वाली चीजें, अभी तक इस पे कंफर्म रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन जो ट्वीट सामने निकल के आ रहा है उसमें मैंने आपको बताया है। तो भाई पहली बात करने वाले अगले चीज के बारे में, लेकिन उसके पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, क्योंकि हम कल लाइव आए थे, एक नहीं तीन बार लाइव आए थे, सब चीजें हम यहाँ पे टेलीग्राम पे करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सबके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। तो आप कहाँ हैं अभी तक टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया, यार फॉलो कर लीजिए यार, टेलीग्राम पे काफी चीजें हैं, न्यूजें हैं, न्यूज लगातार आ रही है, हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हैं, सब चीजें टेलीग्राम पे मिली है। टेलीग्राम को आपको फॉलो करिए, फटाफट से फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में स्पेशली आपके लिए मैंने फील कर दिया है। अगली चीज के बारे में हम लोग बात करें तो भैया MS धोनी का कल का इनिंग कौन भूल सकता है, शानदार छक्के चौके, तीन छक्के लगातार, यानी कि वही विंटेज रूप, वही ताला वाला रूप, क्या शानदार इनिंग खेल के दिखाया। और इस इनिंग के बाद जो पूरे फैंस हैं वो चार्जअप हो चुके हैं, क्योंकि जो इन्होंने छक्के जड़े थे भैया मजा आ गया था, और चेन्नई को जीत भी मिल चुकी है, चेन्नई 6 में से 4 मुकाबले भी जीत ली है, और चीजें बेटर होती चली जा रही है चेन्नई के लिए, तो ये काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है। और धोनी का कल का जो इनिंग था वो पूरी तरीके से मजा दे दिया है। अगली चीज के बारे में हम लोग बात करें तो ये निकल के आ रहा है दीपक चाहर को लेके, तो दीपक चाहर की बात कर ले तो कल क्यों नहीं खेले थे, क्या वो अभी भी इंजर्ड है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर चीज कर दे रहा हूँ कि दीपक चाहर पूरी तरीके फिट है,
लेकिन चेन्नई ने इन्हें प्लेइंग 11 में अपने मौका ही नहीं दिया है। हाँ गाइस, दीपक चार को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया है, इसलिए दीपक चार खेलते हुए कल का मुकाबला नजर नहीं आए थे। अब देखिए चीजें आगे क्या होती है, क्या उन्हें आगे मुकाबला मिलेगा या फिर यही तक पीली जर्सी का सफर था दीपक चार का ये खत्म हो चुका है, ये चीजें आगे पता चलेंगे। लेकिन दीपक चार फिट है और उन्हें टीम से कल निकाल दिया गया था, इसलिए वो खेलते हुए नजर नहीं आए थे। अगले चीज के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे शिखर धवन को थंब इंजरी हुआ है और इसके वजह से वो कम से कम अगले पंजाब के जो 3 से 4 मुकाबले हैं वो मिस करते हुए नजर आने वाले हैं। और इसलिए बात करें तो यहाँ पे पंजाब किंग्स के लिए अच्छी खबर निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि अभी भी टीम थोड़ी सी दिक्कत ही चलती हुई नजर आ रही है। और दिक्कत में बात कर ले तो दिक्कत में यहाँ पे यही चीज हो रहा है कि आपके पंजाब किंग्स के कप्तान ही भैया पूरी तरीके से इंजर्ड है। अब देखिए आगे चीजें क्या होती है। तो गाइस ये थी न्यूज जो कि आज के डेट में निकल के आई थी, मैंने आपको बता दिया है सब न्यूज को, मैंने आपको बता दिया है। फाइनली आप देगा कि आपके लिए कौन सी खबर थी सबसे अच्छी आपकी अपनी जो हो रहा है, कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। अभी लाइक कमेंट शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं, वहां अपने हम अर्जुन के साथ।